हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। ये एक मीठी रेसिपी है और खाने में जो बहुत ही क्रिस्पी है, और इसे मैंने बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें 200 ग्राम मैदा चाहिए और उसमें 2 स्पून मैंने घी डाल दिया है। घी डालने के बाद इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इन्हें आप अच्छे से मिक्स करके ही पानी डालकर डो बनाइएगा। इसके लिए हमें सॉफ्ट डो तैयार करना है। जैसे हम पूड़ियों का आटा लगाते हैं, बस उसी तरह से आप इसका आटा तैयार कर लीजिए। और 5-10 मिनट के लिए इसे ढक के छोड़ दीजिए। अब मेरा 10 मिनट हो गया है। अब मैं इसको बनाना स्टार्ट करूँगी। इसकी लोइयाँ काट लूँगी और इन्हें बेलना शुरू करूँगी। इसे हमें बहुत ही पतला बेलना है। जैसे हम पतली रोटियां बनाते हैं, बस उसी तरह से, देखिए मैं दिखा देती हूँ, देखिए इतनी पतली ही हमें बनाना है। और फिर इसके नाइफ की मदद से इसे ऐसे लंबे लंबे शेप में काट लेना है। फिर हमें एक एक स्ट्रिप इसका निकाल के ऐसे अलग अलग करके, हमें अगर एक साइज का चाहिए तो हमें ऐसे अलग अलग स्ट्रिप में कट करना है, नहीं तो हम ऐसे साथ में भी काट सकते हैं। देखिए बनाना ये बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, कि जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए मैंने दूसरा भी इसी तरह बेल लिया और मैं इसे भी कट करके दिखा रही हूँ। इस तरह से काटने दें, सारे एक बराबर कटते हैं जो देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। देखिए मैंने एक स्टेप ऐसे काट लिया और फिर मैं एक साथ इस तरह भी काट रही हूँ। आपको जैसे अच्छा लगे उस तरह आप काटिए। अब मैं साइड के स्टेप को अलग उसको निकाल दूँगी। ऐसे एक एक करके आप निकाल लीजिए और एक थाली में रखते जाइए। और फिर हमें गैस पे ऑयल गरम करना है और इस तरह से बारी बारी से डाल के इन्हें तल लेना है। ये ऑयल में जाते ही फूलने लगते हैं। इन्हें हमें सुनहरा होने तक ही तलना है।
देखिए इसमें हमें कोई भी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है, बस आपको मैदा और ऑयल चाहिए। देखिए मेरे गोल्डन कलर के हो गए हैं तो मैं इन्हें निकाल लूँगी। इसी तरह से मैं और भी तल लूँगी। ये जब तेल में जाते हैं वो खुद अलग अलग हो जाते हैं। देखिए मैंने सारा तल लिया है। अब हमें इसके लिए चीनी की चाशनी बनानी है। मैंने एक कटोरी शक्कर लिया, उसमें आधी कटोरी पानी डाल दिया। अब मैं इसको चलाते हुए मिक्स करूंगी और एक चाशनी बना लूंगी। हमें एक तार की चाशनी से भी गाढ़ी थोड़ी चाशनी चाहिए। हमें बार बार चेक कर लेना है कि ये कितनी गाढ़ी हुई है। देखिए मैं डाल के दिखा देती हूँ। अभी मेरा थोड़ा और पकना बाकी है। देखिए थोड़ी देर बाद मेरा ये पक गया। अब मैं इसमें चाशनी इन पे डाल दूंगी। डाल के फिर हमें इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। आप जैसा मीठा पसंद करते हो कम ज़्यादा आप इसमें लगा सकते हैं चाशनी। ये बहुत ही अच्छा स्नैक्स तैयार हो जाता है बच्चों को खाने के लिए। आप इन्हें ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए मेरा रेडी हो गया। बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।